बीजेपी के लोग हमको प्रमाण न दें, बीजेपी के लोग ये बताएं कि आदरणीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा चलाई गई यश भारती की योजना क्यों बंद की गई। बीजेपी के लोग ये बताएं कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यश भारती से जो सम्मानित थे, जो विभूतियां थीं, उनको पेंशन देने का काम किया था। 50,000 रुपये महीने की पेंशन थी उन विभूतियों को, वो पेंशन देन बंद करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। ये बीजेपी के लोग पहले अपनी चीज़ों को देखें और समाजवादी पार्टी के। अगर मैं इसी आजमगढ़ की बात करूं तो कैफी आजमी साहब, सबाना आजमी साहिबा को आदरणीय नेताजी ने अपने कार्यकाल में 95 के कार्यकाल में यश भारती से सम्मानित किया था। सदी के महानायक आदरणीय अमिताभ जी से लेके अगर हम बात करेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद मैं अगर बताना चाहूँगा भी तो आप दिखा नहीं पाओगे। इतने विभूतियों को सम्मानित करने का काम समाजवादियों ने किया है, इसलिए इस तरह की बातें समाजवादियों के ऊपर बीजेपी के लोग बताएं, उन्हें बताएं कि पेंशन क्यों बंद की, बताएं कि समाजवादी जो उत्तर प्रदेश की स्कीम थी यश भारती, उसको बंद क्यों किया। वो कलाकारों को सम्मान की बात करते हैं, कलाकारों का अपमान किया है, उनकी योजनाएं बंद की है। उत्तर प्रदेश की जनता की को भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ प्रदेश के जनमानस की एक भावना थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे और प्रदेश की जनता को इस सरकार के अन्याय और अत्याचार से बचाने का काम करें। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह फैसला लिया है और फैसला लेने के कारण ये सीट रिक्त हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी ने मुझे यहाँ से लड़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।